अपना परिचय त्रिपाठी, किस तरह का क्या मामला है आपका? प्रधानमंत्री भारत सरकार और भाजपा ने मध्य प्रदेश से मांग की कि मध्य प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 14 वर्षों से चल रहे मध्य प्रदेश में जो परंपरा थी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के गायन वो इस्लामिक पुष्टिकरण के तहत बंद कर दिया गया। इसलिए हमारी मांग है कि ऐसी राष्ट्रपति सरकार को बर्खास्त किया जाए। और दूसरी मांग क्या है आपकी? दूसरी हमारी मांग है कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, महिला पुरुष के जैविक भेद को समाप्त करते हुए समानता के आधार पर इसको रद्द किया जाए और महिलाओं के प्रवेश को सुनिश्चित किया जाए। इसके बाबत प्रधानमंत्री भारत सरकार संचित अध्यादेश पारित किया। तीसरा मुद्दा क्या है आपका? तीसरा हमारा होलीवुड कोरोना मार्ग पर डिवाइडर का निर्माण था, जिस पर एक बूंद भी पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। गुणवत्ता मानक के बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है, उसकी जांच इसके खिलाफ कर रही है। ये जनहित की तीन मुद्दे आप लेकर के चल रहे हैं, आपने इसकी शिकायत अभी तक कहाँ कहाँ की है? हम बराबर शिकायत करते हैं, जो भी संवैधानिक माध्यम के जितने भी तंत्र होते हैं मैं अपनी शिकायत सबके तक पहुंचाता हूं। आपके मन में ये विचार कहां से आया कि मैं इस तीन मुद्दे पे विचार करूं और इस तीन मुद्दों की शिकायत करूं? जैसे पहला मुद्दा हमारा है कि ये मध्य प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए, और ये देश से जुड़े हर व्यक्ति का मामला है। पूरे देश का मामला ये है, वंदे मातरम जो है आज़ादी के जो नायक थे उनके 1300 गीत रहा है, आज भी देश के शौर्य स्वाभिमान का प्रतीक है, देश के लोगों का शौर्य स्वाभिमान का प्रतीक है। इसको अगर इस्लामिक पुष्टिकरण और कट्टरवाद संरक्षण की दृष्टि से प्रतिबंधित किया जाता है ये राजद्रोह है, और इनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। और ये दूसरा मुद्दा जो आपका मंदिर का है केरल का, मैं सनातन धर्मी हिंदू हूँ और बतौर हिंदू होने के नाते ये मुद्दा सबसे जुड़ा हुआ, जितने हिंदू हैं सबका रहता है। सबरीमाला मंदिर है, भले ही केरल हो, केरल वासियों को पता ही, लेकिन समस्त हिंदुओं की भावनाएं से जुड़ी हुई है। और अगर आप समानता के अधिकार के नाम पर स्त्री और पुरुष के जैविक भेद को समाप्त करते हैं तो ये तो कथित के साथ छेड़छाड़ है, उसके आधार पर आप मंदिर की 800 साल पुरानी परंपरा को नष्ट करते हैं। वो पश्चिमी जीवन शैली सभ्यता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और हमने जो जिसको निर्वाचित किया प्रधानमंत्री भारत सरकार है, हमने उनको मत दिया है। हमारी उनसे मांग है कि आप मेरे अधिकारों को का रक्षण कीजिए, आप अध्यादेश लाइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तुरंत कीजिए। तो क्या इसके लिए एक पीएम पोर्टल बनाया गया है, उसमें आपने इसकी शिकायत की है? नहीं, हमने यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री भारत सरकार से मांग की है कि सबरीमाला मंदिर में आप अध्यादेश दें।